एप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टॉल कर सकते हैं दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी यूनिक एप इट्स अ वेरी यूनिक ऐप सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ सो क्रैक आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर दैट गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड टर देखिए बड़ा फायदा है डाउट को क्लियर कर सकते हैं इवन यू कैन एंगेज यूर सेल्फ इन डिस्कशन यू कैन आंसर द पोल्स इतनी सारी चीजें लाइक like, मेरी जो स्पेशल क्लास रहती है रात को नौ बजे उसको आप अटेंड कर सकते हैं बाय जस्ट इंस्टॉलिंग द एप और अनअकेडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सो दैट माई शेड्यूल वुड बी अवेलेबल टू यू हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी कुछ नहीं करना है जस्ट डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर आई यूएस दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर और लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप बेस्ट एप फॉर लर्निंग वाइट जो कि इसमें आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, डेली लाइव क्लासेस और वो फिर एक्सेस एक बार आप कोर्स सब्सक्राइब कर लेते हैं यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस कब तक जब तक आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड है टिल द टाइम एनी टाइम एनी वेयर किसी भी डिवाइस से लाइक like मोबाइल से लैपटॉप से पीसी से आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी बहुत सारे यूनिक फीचर लाइक लाइव टेस्ट इज फीचर जिसमें आप रियल टाइम अपना रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं रिजल्ट असेसमेंट इज पॉसिबल इजीली आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं द डायरेक्शन इन विच यू आर प्रिपेयरिंग और वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है स्ट्रक्चर कोर्सेज एज पर सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी के सभी कोर्सेस स्ट्रक्चर्ड हैं क्लियर सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ नाउ आर यूनिक फीचर ऑफ अनडमी जिसमें आप यू कैन यू कैन गेट इन टच विद योर एजुकेटर एंड कैट कैन गेट योर प्रॉब्लम सोल्व अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हैं लाइक like इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाय दिस जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है यू हैव टू फिल कि किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक आरपीएससी के लिए तो आप आरपीएससी क्लिक करेंगे देन आफ्टर फिल योर नेम नंबर देन फिल द नेम ऑफ एजुकेटर जिससे आप बात करना चाहते हैं जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं फिल द नेम ऑफ दैट एजुकेटर लाइक मेरा नाम आशीष अरोरा है तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो यहां पर आप अपना नेम पुट करके फिर इसको सबमिट कर सकते हैं सो इट विल अलाउ यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी अबाउट योर एग्जामिनेशन अबाउट योर प्रिपरेशन सो होप एवरीथिंग इज क्लियर लास्ट बट नोट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ टू सब्सक्राइब वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट ये कैसे सब्सक्राइब करना है लेकिन वो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं ये देखिए दिस इज फॉर ऑल एग्जाम्स ये सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान नॉट ओनली फॉर अ सिंगल एग्जाम इसमें आर एस रीट फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड पटवार जितने भी राजस्थान के एग्जाम है सब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से कवरअप हो रहे हैं कोई हिडन चार्जेस नहीं है कोई भी इस तरीके का नॉमिनल कॉस्ट पर आपको कोर्स अवेलेबल हो रहा है छह महीने बारह महीने और चौबीस महीने का अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो उस पर भी नो कोर्ट ई एम अवेलेबल क्लियर और ये ट्वेल्व मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ का सबसे इकोनॉमिक और सबसे प्रोडक्टिव कोर्स है वाई देखिए कितना सस्ता पड़ रहा है थ्री वन फाइव दैट मींस दस रुपए पचास पैसे पर डे चाय से भी कम खर्चे पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिल रहा है ये 8400 का 7560 का ही रह जाता है 7560 का मेरा रेफरल कोड आशीष 11 देखिए रेफरल कोड आपको अलाउ करेगा जिससे आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल सारी क्लासेस प्लस इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अन अनअकैडमी पर मिलने वाले सभी कोर्सेज पर नॉट ओनली ऑन आरपीएससी कोर्सेज लाइक कोई यूपीएससी का कोर्स परचेज करना चाहता है तो भी वो आशीष इलेवन कोड अप्लाई कर सकता है कोई एस का परचेज करना चाहता है देन देन आल्सो ही कैन अप्लाई आशीष कोड सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सी ए जी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो एक बार जो स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए कोई पर्टिकुलर इसमें एक एक एस्पेक्ट को कवर करूंगा आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट In case of any problem, please let me know. I am just कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लगता हो कि अभी तक आज तक समझ में नहीं आई तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जस्ट लेट मी नो अबाउट द सेम अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूं देखिए कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनकी अगर हम बात करते हैं इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इट्स अंस्टिट्यूशनल पोस्ट संवैधानिक पद है संवैधानिक पद है इट्स अ एडवाइजरी नोटा क्वाजी जुडिशियल इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संवैधानिक 148 से एक तक आपको इसके प्रोविजन मिलते हैं 148 से 151 तक इसके प्रोविजंस मिलते हैं 151 में किस तरीके से रिपोर्ट सबमिट होगी 148 में ये बोल रखा है कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा अपॉइंटमेंट कौन करते हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड द सेकंड थिंग कितना टेन्योर होगा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात नहीं है टेन्योर क्वालिफिकेशन कुछ मेंशन नहीं है लेकिन वहां 148 में मेंशन किया हुआ है पार्लियामेंट बाय लॉ पार्लियामेंट बाय लॉ संसद कानून बनाकर इस चीज को नियमित कर सकती है कि क्या क्या उनकी योग्यताएं होंगी अभी जनरली बात की जाए तो आई अधिकारी को नियुक्त कर दिए जाते हैं कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल की तरह जनरली द आई एस ऑफिसर आर बींग अपॉइंटेड एज कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल देखिए नियुक्ति का कारण क्या रहा है इस बात को भी समझना है आप लोगों को लाइक जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट इज फ्रॉम आर सेल्फ संदीप जी नमस्ते गवर्नमेंट हम ही लोगों ने आप बनाई है एंड इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ केयर टेकर ऑफ पब्लिक मनी गवर्नमेंट एक केयर टेकर की तरह है जिसे सर जनता से पैसा इकट्ठा करना और उसे खर्च करना अब इसमें क्या बनती है देयर मस्ट बी सम रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर मस्ट बी सम अकाउंटेबिलिटी और उस अकाउंटेबिलिटी को अप्रूव करना किसका काम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अब आपको समझ में आ गया कि कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये हंसराज uh, सहरा जी नमस्कार जी और शौर्य कुमार शर्मा जी प्रणाम सभी को नमस्कार आगे चल रहे हैं हम लोग तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेसिकली इसमें पार्लियामेंट कानून बनाकर नियुक्ति करती है किसी तरीके सॉरी प्रेसिडेंट अंडर वॉरेंट और सील अपॉइंटमेंट करते हैं एंड द सेकंड थिंग लेकिन रिमूवल उनके हाथ में नहीं है रिमूवल कैसे होगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज का जैसा 124 सब चौबीस सबक्लोस चार में वर्णन है सिमिलरली वैसे का वैसा ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा क्लियर यहां तक कोई बात समझ में अगर नहीं आई हो तो प्लीज बताइए देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए किसी भी तरीके की कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं है अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट किस कि, कि, किसके एडवाइस पर काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एक तरीके से जिन्होंने अपॉइंट करवाया उनकी ही एडवाइस पर उन्हीं की ही एडवाइस पर अपॉइंट हो रहे हैं और उन्हीं के ही खर्चों का इनको जांच करनी है तो ये चीज थोड़ी सी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाती है इसीलिए जनरली इसलिए जनरली क्या होता है इसमें बोला गया है कि कॉलेजियम की व्यवस्था आगे आदि लागू हो बट वो अभी तक लागू ऐसी नहीं हुई है जनरली जो क्वालिफिकेशन भी कोई ऐसी मेंशन नहीं है इसको संसद कानून के द्वारा नियमित करता है अवधि कोई मेंशन नहीं है वो लेकिन अगर हम एक्ट ऑफ 1971 देखते हैं तो छह वर्ष या पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो जो भी पहले हो क्लियर हो गया पक्के से विजेंद्र कुमावत जी सर आर एस एग्जाम एवरी ईयर क्यों नहीं होते हैं देखिए ये सबसे बड़ी विडंबना है बिकॉज आर एस आर पी एस सी कंडक्ट करवाता है अभ्यर्थना जाती रहती है हर चीज की शॉर्टफॉल है वर्क फोर्स का लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल कोविड का मामला चल गया और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है भर्तियां उलझ जाती हैं बहुत ज्यादा इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है नहीं तो अब नेक्स्ट ईयर से मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर से कोशिश यही लगी हुई है सरकार भी कि हर साल आर एस की भर्ती निकाली जाए जैसे देखिए आरजेएस को जब से हाई कोर्ट के अधीन किया है तो लगभग हर वर्ष वैकेंसी आ रही है लगभग हर वर्ष तो सिमिलरली वो चाह रहे हैं कि आर एस का भी ऐसा किया जाए मैंने बता दिया उसमें बिल्कुल कोई बात नहीं देखिए प्रश्न पूछना आप लोगों की Uh, अधिकार है आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप अपना मनोबल ना तोड़िए क्योंकि आप तैयारी रखिए पूरी yes, everyone, is it clear now? कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखिए महालेखा परीक्षक का काम क्या होता था अकाउंट्स भी बनाना और ऑडिट भी करना लेकिन फिलहाल क्या है ऑडिट करना और ये जो ऑडिट करते हैं ऑडिट करते हैं वो रिपोर्ट ये देंगे प्रेसिडेंट को और स्टेट के केस में किसको देंगे गवर्नर को ठीक है राज्य के ऑडिट और अकाउंट दोनों काम सी ही करते हैं लेकिन भारत सरकार की सिर्फ ऑडिट करते हैं अब ये जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं उसको चेक कौन करता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वो चेक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय सीएनएजी सी एन एजी जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर रहा है उसको चेक कौन करेगा वो विल कंसिडर दैट रिपोर्ट कौन चेक करेगा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए या आप लोगों के जो जो बातें मैंने बताई है सीएनए जी इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों है क्योंकि 148 से 151 तक बात की गई है इन्हें ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होते हैं और गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स लोक वित्त के रखवाले क्योंकि सारा जनता का पैसा शौर्य शर्मा जी पब्लिक अकाउंट कमेटी जांच करती है उसकी फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी कितने सदस्य होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं जल्दी से बता दीजिए पीएससी में दोनों से होते हैं लोकसभा और राज्यसभा से कितने कितने होते हैं ये बता दीजिए 148 से एक सौ इक्यावन यहां वर्णन है वेरी गुड बाईस पंद्रह प्लस सात तो इस चीज का ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाता है तो सारी की सारी जो अथॉरिटीज हैं वो पैसा जो खर्च कर रही हैं देखिए अगर मैं बात करता हूं तो एक देश को बचाने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है एक तो ऐसी संस्था जो चुनाव स्पष्ट रूप से कराए तो हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया एक ऐसी संस्था बिल्कुल जो खर्च ठीक से करे बिल्कुल बताऊंगा एक एक चीज बताऊंगा शौर्य शर्मा जी पर आ, बिल्कुल मैं आपकी कोई भी डाउट मैं नहीं आपके माइंड में रह, रहने दूंगा एक खर्च ठीक से करे और एक जांच ठीक से करे जैसे आप मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं लोकतंत्र का लेकिन वो चौथा स्तंभ कितना बखूबी अपना काम निभाता है ये चीज आप जान रहे हैं क्लियर तो इसीलिए देखिए ये जांच करना ये सारी चीजें पड़ताल करना ये किसका काम होता है सीएनएजी का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है एंड द सेकेंड थिंग जैसे ही ये हटते हैं उसके बाद कोई भी प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते प्लेस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में ये किसी भी प्लेस ऑफ प्रॉफिट को ग्रहण नहीं करेंगे लाभ का पद लाभ के पद को निर्धारण करना किसका काम है 102 में अगर आर्टिकल 102 पढ़ेंगे तो कौन निर्धारित करता है पार्लियामेंट बाय लॉ संसद ये कानून के द्वारा ये निर्धारित करती है कि कौन सा लाभ का पद है या कौन सा लाभ का पद नहीं है और साथ ही साथ 103 में अधिकार दे रखा है प्रेसिडेंट को देखिए स्टेट के लिए और सेंटर के लिए एक ही सीएजी है स्टेट के लिए और सेंटर के लिए एक ही सीएजी है क्योंकि अलग अलग कहा गया था राज्यों से कि वो अलग सीएजी बनाए लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि दैट वी कैन अ सेपरेट कैग फॉर अस क्लियर कि हम अकाउंट्स के लिए अब अलग से काम कर पाए नो तो सारा का सारा जो ऑडिट है ये सिमिलरली कैग ही करते हैं चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो स्टेट के लिए लेकिन डबल काम है स्टेट के लिए वो अकाउंट भी बनाते हैं और ऑडिट भी करते हैं क्लियर जो भी पैसा खर्च करेंगे सभी के सभी की देखिए वर्तमान में बात करें तो केसी मुर्मू है के? केसी मुर्मू श्री केसी मुर्मू तो ये चीज यस नॉलेजपुर जी इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म वाइट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म क्योंकि इसमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है और कितना जनता का पैसा सेव हो रहा है इसको जीसी मुर्मू कीजिएगा गणेश चंद मुर्मू है ये टाइपिंग एरर की वजह से केसी मुर्मू हो गया है आंसर क्या है ये क्या है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट में अकाउंट का काम कौन करता है तो बिल्कुल बताते हैं अभी तो हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं कि जीसी मुर्मू करेंट कैग है और कार्यालय कब से स्थापित हुआ अठारह से 1807 में एडवर्ड ड्रमंड फर्स्ट ऑडिटर जनरल अपॉइंट हुए थे क्लियर उसके बाद ऑडिटर जनरल को ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल कहा जाने लगा 1866 से ही आई है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स और 1884 से इस पोस्ट को किस क्या नाम दे दिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और अभी तक यही पोस्ट चली आ रही है तो पहली बार कब लेके आए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पोस्ट को अठारह में जो इसी नाम से वर्णन किया गया क्लियर कोई डाउट इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू है फिलहाल ये के सी मुर्मू लिखा हुआ था यहां पर जी सी मुर्मू कर लीजिएगा गणेश चंद मुर्मू जो कि आठ अगस्त से नियुक्त हुए हैं आठ अगस्त से नियुक्त हुए हैं इससे पहले कौन थे एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप कमेंट करते रहिए अपनी क्वेरीज का मैं बिल्कुल उन चीजों को डिस्कस करे बिना जाऊंगा नहीं आज ये बताइए कि आप कि इससे पहले कौन थे कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल हाँ जीसी मुर्मू है जी बिल्कुल वो जीसी मुर्मू है टाइपिंग एरर की वजह से केसी मुर्मू हो गया था गिरीश चंद मुर्मू है गणेश चंद नहीं है राजीव महर्षि जी थे बिल्कुल सही बात है और देखिए हाँ गिरीश चंद मुर्मू यही बोला ना मैंने गिरीश चंद मुर्मू राजीव महर्षि जी जो राजस्थान काडर के ही आई ऑफिसर रहे हैं वो अपॉइंटेड किए गए थे नाउ द गणेश चंद मुर्मू इज द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्लियर सेकेंड the थिंग इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि योग्यता संविधान में है कहीं नहीं है यह एक्ट बनाकर पार्लियामेंट डिसाइड करती है अभी 1971 का एक्ट चल रहा है उसके बाद हम बात करते हैं तो अठारह में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में यह पद जाना जाने लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में ऑडिटर जनरल को इंडिपेंडेंट कर दिया और एक वैधानिक रूप दे दिया गया 1935 में उनके अधिकारों को और भी ज्यादा सुदृढ़ कर दिया गया देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो भारतीय संविधान है वो मैक्सिमम किस पर बेस्ड है मैक्सिमम किस पर बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर सबसे बड़ा स्रोत हमारे भारतीय संविधान का है तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्लियर 1935 है इसीलिए इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि वहां से ज्यादातर बातें हमें देखने को मिलती है जो प्रशासन पद्धति है प्रशासन प्रणाली है वो पूरी की पूरी हम लोगों ने वहीं से ले ली है ठीक है अलग अलग देशों से अलग अलग चीज ली लेकिन अगर हम देखें तो हमारा संविधान 70% परसेंट के आसपास ब्रिटेन पर ही आधारित है क्योंकि आयरलैंड भी ब्रिटेन का पार्ट था उस समय आगे की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं और अगर डीपीएसपी की बात करें तो वो भी आयरलैंड से ली गई है लेकिन वो पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था तो अधिनियम में नियुक्ति एवं सेवा प्रक्रियाओं का वर्णन किया और भारत के संक्षिप्त विवरण किया कि क्या क्या चीजें उसमें होंगी क्लियर अब हम भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करते हैं उन्नीस के बाद वही चीज अनचेंज रही तो उन्नीस के भारत के संविधान में 148 में किसकी बात की गई है रत्नाराम जी बिल्कुल अभी पहले भी पूछा गया ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे क्लास के लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है आप कमेंट करते रहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अकाउंट का काम कौन करता है उस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा देखिए इधर हम बात करते हैं 148 से 151 पूरा का पूरा आर्टिकल डील करते हैं किससे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बातों से तो वो सारी चीजें अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं देखिए जम्मू और कश्मीर में कैक का जो रिजिक्शन में बढ़ा दिया गया अब ये देखिए जो 148 में बात दी गई है कि संसद कानून के द्वारा नियमित करेगा तो ऑडिटिंग ड्यूटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की किसको दे रखी है सीएनएजी को क्लियर 1976 में कैक को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया किसके लेकिन किसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केवल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनट आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं एक बार वेट कर रहा हूं तो प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा देखिए नाइनटीन के बाद हम बात करते हैं तो बहुत तेजी से कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग होने लगा तो बहुत ज्यादा जो विवादास्पद मामले थे वह भी कैग उठाने लगा चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो ये सब किसकी किसने उठाया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने क्लियर एंड द सेकेंड थिंग एक सबसे इंपोर्टेंट बात आती है इनको शपथ कौन दिलवाएंगे शपथ कौन दिलवाएंगे राष्ट्रपति और शपथ कौन से शेड्यूल के हिसाब से होगी जो कि थर्ड शेड्यूल में वर्णन है थर्ड शेड्यूल में जैसा का जैसा वर्णन है यस कोल एलोकेशन 2G जी एंड थ्री जी वेरी गुड बिल्कुल आपके कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं एक मिनट तो ये देखिए पहले जो हमारे देश के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे वी नरहरि राव 1948 से उन्नीस फिर हम बात करते हैं टीएन चतुर्वेदी जी की टीएन चतुर्वेदी जी बताइए किसके लिए जाने जाते हैं टीएन चतुर्वेदी जी कमेंट करके बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है टीएन चतुर्वेदी जी कौन सा घोटाला इन्होंने उजागर किया था कार्यकाल देख अंदाजा लगाइए 1984 से 1990s कौन सा इन्होंने घोटाला उजागर किया था yes, everyone, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं बहुत ही जबरदस्त घोटाला रहा था वो अच्छा ये भी था हूं राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय और रक्षा से संबंधित मामला था जिसमें अमिताभ बच्चन जी का भी नाम आया था इतना हिंट दे दिया यस वेरी गुड वेरी गुड बोफोर्स और इन्हें बाद में राज्यपाल भी नियुक्त किया गया इन्हें बाद में राज्यपाल भी नियुक्त किया गया अब आप बोलोगे अभी तो आप कह रहे थे कि पो, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेंगे लेकिन ये राज्यपाल मंत्री आदि की जो पोस्ट है ये पोस्ट ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आते है। तो किसी भी तरीके से संविधान का उल्लंघन इन लोगों ने नहीं किया हैव नोट दे द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी वे वो फोर्स की बात करते हैं फिर विनोद राय जो बहुत चर्चा में रहे ये जो टू जी स्पेक्ट्रम थ्री और ये कॉल एलोकेशन आदि की बात करी थी इन्होंने राजीव महर्षि अगस्त आठ अगस्त तक रहे और गिरीश चंद्र मुर्मू जो जीसी मुर्मू है ये ध्यान रखना शुरुआत में वो केसी मुर्मू हो गया था टाइपिंग एरर की वजह से तो जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू इज द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से नंबर के हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन कौन से नंबर के 14th नंबर के फोर्टीन सी एन ए जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या सी कैसे भी लिख सकते हैं क्लियर हो रहा है पक्के से यस yes, एवरीवन कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए क्योंकि अब हम क्वेश्चंस के ऊपर भी चलने वाले हैं जल्दी से मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट कर रहा हूं ये लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है आपके कमेंट्स लास्ट कमेंट नॉलेज जी का है सोरे शर्मा जी का आ गया है मैसेज कमेंट आगे बताइए मुकेश चौधरी जी शक्ति सिंह कसाना कुलदीप चारण वेरी गुड नॉलेज फोर तो इसका आंसर 148 है अपॉइंटमेंट कौन करेंगे राष्ट्रपति करेंगे अंडर हिज वारंट और योग्यता कोई योग्यता नहीं है योग्यता संविधान में कोई योग्यता नहीं बता रखी है योग्यता कौन निर्धारित करती है संसद कानून के द्वारा ये भी चीज ध्यान रखनी है और कानून फिलहाल कौन सा चल रहा है 1971 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कीजिएगा मुकेश चौधरी जी ये आंसर कर रहे हैं शक्ति सिंह कसाना टोडा ये आंसर कर रहे हैं नॉलेजपुर जी आंसर कर रहे हैं शौर्य शर्मा जी ये आंसर कर रहे हैं वी नरहरी राव बिल्कुल अभी देखा है देखिए हमने वी नरहरी राव क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान नियंत्रक इसमें चेंज करना पड़ेगा अब आप बता दीजिए कौन है वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बता दीजिए जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके कमेंट्स देख रहा हूं मैं साथ के साथ यस yes, कुलदीप जी मुर्मू हो गया है अगला आंसर बताइए नॉलेज फोर जी वेरी गुड बाकी लोग भी आंसर कीजिए तो इसका आंसर है विनोद राय क्या आंसर होगा इसका विनोद राय वेरी गुड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं कौन करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आ गए हम लोग शौर्य शर्मा जी आंसर कर रहे हैं शौर्य जी आपका क्वेश्चन था कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय सरकार के अकाउंट कौन बनाता है तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सी जी चीज़ ध्यान रखनी है आपको और ये जो ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ये किसको देते हैं प्रेसिडेंट को देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की किसको देते हैं गवर्नर को कौन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वॉट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरलपुर जी ने बहुत अच्छी बात बोली बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट देखिए प्रेसिडेंट नियुक्ति कर रहे हैं प्रेसिडेंट नियुक्ति कर रहे हैं तो प्रेजिडेंट नियुक्ति नियुक्ति किसके आधार पर करेंगे मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर इसीलिए ये नियुक्ति प्रक्रिया चैलेंज की जाती है बार बार क्यों क्योंकि इनको इन्हीं के खर्चों पर ही तो नियंत्रण रखना है और यही नियुक्ति दिलवा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है कहा तो प्रेसिडेंट गया लेकिन व्यवहारिकता व्यवहारिक रूप से जो भी होता है उसके बारे में अच्छा ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या ये जो आप आंसर कर रहे हैं कहीं संविधान में मेंशन है क्या संविधान में मेंशन है क्या यस एवरीवन इज इट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन नो क्योंकि ये संसद इस चीज पर नियंत्रण करती है क्लियर छह वर्ष या पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो अभी कोई अट्ठावन वर्ष की नियुक्ति कर रहा है तो वो वर्ष की नौकरी पूरी कर लेगा तिरसठ वर्ष में जा रहा है तो भैया दो वर्ष ही काम कर पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग ड्यूटीज रोल्स एंड फंक्शन विच ऑफ देम इज नॉट बिलोंग टू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सेवेंथ क्वेश्चन क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं ज्यादा तो मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं ताकि फिर इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्योंकि तो फिर मुझे ट्रांसलेट करना होगा फिर हिंदी वालों को अब तो इस क्वेश्चन पे आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर एट पे आइए सीधा क्वेश्चन नंबर एट पे मुकेश चौधरी जी सी आंसर कर रहे हैं बाकी लोग बताइए देखिए ये नॉलेजपुर जी सी आंसर कर रहे हैं देखिए एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को जो भी पब्लिक कंपनीज हैं मतलब कि जो जिनको क्या चलाता है एक मंत्रालय चलाता है अलग से मंत्रालय हो जैसे कि रेलवे हो गया ठीक है जिसको आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बोलते हैं क्या बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एयर इंडिया उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो इसकी अब ये तो क्या है स्टेचुटरी ऑडिटर लगेंगे यहां पर तो ये तो स्टेचुटरी कॉरपोरेशन है ये स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है स्टे... ये स्टेचुटरी कॉरपोरेशन है हर किसी का अपना अलग कानून है है या नहीं है लेकिन ये इसका अलग से मंत्रालय है क्लियर हो गया पक्के से तो एयर इंडिया की ऑडिटिंग करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशन इज नॉट फुली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फुली ऑडिटेड की बात कर रहे हैं फुली ऑडिटेड हो सकता है कि आंशिक रूप से तो वहां पर भी देखिए पिछले क्वेश्चन में भी क्या था फुली आंशिक रूप से तो उनके ऊपर भी नियंत्रण होता है लेकिन पूर्ण रूप से जिसको ऑडिट किया जाएगा नहीं किया जाएगा इस क्वेश्चन में बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज नॉट फुली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थोड़ा ध्यान लगाइए इस क्वेश्चन पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एयर इंडिया तो लास्ट में बताई दिया था दामोदर वैली कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का है एफसीआई आएगा इसका आंसर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टेचुटरी है इसकी ऑडिटिंग अलग तरीके से होती है कंप्लीटली इसको सीएनएजी नहीं करते हैं क्लियर यस yes, उडयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी वाले पे ही चल रहे हैं अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आइए टू होम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट रेजिग्नेशन लेटर देखिए आज शाम को जो नौ बजे क्लास है स्पेशल क्लास है अन अकेडमी पर उसमें मैं आज जीएसटी डिस्कस करने वाला हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो आप लोग 9 बजे जुड़ सकते हैं उस क्लास में क्वेश्चंस भी कंप्लीट डिस्कशन भी होगा लास्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस देम लेटर ओन बिकॉज कंप्लीट इन इंग्लिश तो उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा कौन क्या क्या पूछना चाह रहे हैं नॉलेजपुर जी होम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रेजिग्नेशन लेटर किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर त्यागपत्र देंगे तो देखिए नियुक्ति कौन दे रहे हैं राष्ट्रपति नियुक्ति कौन दे रहे हैं राष्ट्रपति तो त्यागपत्र भी किसको दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र भी किसने दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को तो देखिए यहां पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 124 ट्वेंटी फोर सब क्लोज फोर वन सब क्लोज फोर टेंथ क्वेश्चन बोला मैं लास्ट में करा दूंगा आप लोगों को जो इंग्लिश में है वो मैं कराऊंगा अभी क्योंकि अभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी है तो उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा आपके साथ साथ ठीक है इसलिए मैंने उसको अभी स्किप किया है हाँ, रीजन बताऊंगा एफसीआई क्यों है उसका रीजन बताऊंगा उसका टेंशन मत लीजिए क्योंकि तो स्टेचुटरी कॉरपोरेशन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का आंसर कीजिए शौर्य शर्मा जी का आंसर आया है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक शक्ति सिंह कसाना जी सी आंसर कर रहे हैं और लोग भी आंसर कीजिए नॉलेज फोर जी ट्वेल्थ का ए कर रहे हैं भैरू सिंह निर्माण जी सी कर रहे हैं देखिए इसमें आप लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके बिल्कुल लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा लेकिन एक चीज बताइए राज्यसभा में भी तो लाया जा सकता है अगर हम बात करें तो 50 और 100 सदस्य मिलकर प्रस्ताव ला सकते हैं फिर प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है तो इसका आंसर ए होगा किसी को भी अगर संचय है तो प्लीज बताइए पॉलिटिकली एनसीआरटी पढ़ना जरूरी है क्या बिल्कुल अभी बताते हैं उसके बारे में कल बुक्स बताई थी मैंने आप लोगों को आज दोबारा बता दूंगा यस एवरी वन क्लियर हो गया ये अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वर्क ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ध्यान से पढ़ना कोई बात ये सभी आप लोगों का साथ है वो शांति के साथ ही आप लोग पढ़ते हैं इसलिए मैं भी आप इसका आंसर कीजिए पहले सभी लोग ध्यान से कीजिएगा आंसर बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए आपके कमेंट्स में देख रहा हूं शोरे शर्मा जी आंसर कर रहे हैं बैरू सिंह निर्माण जी सी आंसर कर रहे हैं मुकेश चौधरी जी सी आंसर कर रहे हैं देखिए इसका पहले बात समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे बिल्कुल सही बात है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को बचाते हैं कि उससे पैसा कोई ज्यादा तो नहीं निकाला जा रहा तो दोनों बातें सही है ये काम उन करते भी है। वह हैं वह भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकारों की ऑडिट रिपोर्ट सौंपते हैं वह भारत के राष्ट्रपति को नहीं सौंपते सरकारों की वह गवर्नर को सौंपते हैं गवर्नर को सौंपते हैं किसको सौंपते हैं गवर्नर को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सेवा के वेतन भत्ते और अन्य शर्तें कौन निर्धारित करता है ऑप्शन ए में ऑडिट रिपोर्ट नहीं देती देखिए ऑडिट रिपोर्ट ही मान के चलिए उसको ऑडिट लिखने से भले से ऑडिट रिपोर्ट ही मान के चलिए ठीक है लेकिन ये तो देखिए कंप्लीटली गलत है ना ऑडिट रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थोड़ी देते हैं वो गवर्नर ऑफ स्टेट को देंगे गवर्नर ऑफ स्टेट को देंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप एक बार थर्टींथ का आंसर कर दीजिए जल्दी से सभी लोग और कल लोकल गवर्नमेंट पे क्लास रहेगी साढ़े बारह बजे और परसों की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिसमें मैं लगभग हंड्रेड क्वेश्चंस कराऊंगा पॉलिटी पर लगभग हंड्रेड क्वेश्चंस इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और वो सभी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है इसमें पॉलिटी में शुरुआत से लेकर एंड तक के जितने भी प्रोविजन बन सकते हैं ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वो सभी डिस्कस करवाऊंगा तो इसका आंसर है पार्लियामेंट संसद कानून बनाकर करती है ऐसा लेकिन एक चीज बता दीजिए ऑप्शन ए में डाउट है कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन ए में डाउट है इसी क्वेश्चन के फोर्टीन क्वेश्चन के फोर्टीन क्वेश्चन के या कोई अलग से क्वेश्चन में कम टू द पॉइंट अगर एक बार नियुक्ति कर दी गई तो ये बताइए क्या सैलरी कम की जा सकती है क्या बिल्कुल अभी डिस्कस कर लूंगा मैं कोई टेंशन नहीं है थर्टीन पे बिल्कुल एक बार मैं आपसे चर्चा करूंगा उस बारे में और कोई डाउट हो तो वो भी बता दीजिए एक बार अपॉइंट हो गए तो क्या सैलरी कम की जा सकती है क्या जैसे मान के चलिए एक लाख पचास हजार सैलरी है सपोज बिल्कुल नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते क्यों क्योंकि एक बार अपॉइंट होने के बाद कोई भी ऐसा वेरिएशन नहीं लाया जाएगा जो उनके अगेंस्ट हो सैलरी में और अन्य बत्तों में किसी भी तरीके की कटौती नहीं की जा सकती क्लियर एक बार नियुक्ति हो गई तो नियुक्ति होने के बाद पार्लियामेंट uh, कैसे देखिए कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो इसमें सीधी की सीधी बात है पार्लियामेंट सीधा सीधा मेंशन मिलेगा क्लियर सीधा सीधा क्या मेंशन मिलेगा पार्लियामेंट बाय मेकिंग द लॉज अगर आपको डाउट है तो मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं 148 आर्टिकल का क्लोज थ्री क्लोज थ्री आप देखेंगे तो सीधा सीधा यही बात लिखी हुई मिलेगी जो मैंने आपको बताई है क्लियर है अनूप अनूप सांगी जी एनी प्रॉब्लम यस एनी प्रॉब्लम 148 में सारी चीजें मेंशन है और मैंने आपको क्लियर कट क्लोज भी मेंशन कर दी है 148 फोर्टी एट सबक्लोज थ्री जैसे कि 124 सब क्लोज फोर के अकॉर्डिंग हटाए जाते हैं सिमिलरली 148 फोर्टी एट सब क्लोज थ्री अब ये वन ट्वेंटी फोर यस दिस इज फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स वेरी गुड अनुप सिंह जी अगर आ, डाउट क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज बताइएगा कौन से कथन सही है जल्दी से पढ़िए इसको कौन सा कथन सही है यूपीएससी में 315 में एक बार आप इसे देखिए यूपीएससी के लिए ऑलरेडी जो कमीशन हैं उन पर मैं क्लास ले चुका हूं एक बार आप इसमें देखिएगा 148 का और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप नेक्स्ट क्लास में बताइएगा या शाम को जो क्लास है उसमें बताइएगा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ध्यान से पढ़िएगा सिक्सटीन का आंसर दीजिए जल्दी से नॉलेजपुर जी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन गलत होगा यहां पर वन टू थ्री है कल्पना जी बिल्कुल करेंगे गाइड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या आंसर होगा इसका कि वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है ये बात तो गलत है ये बात तो हंड्रेड परसेंट गलत है क्यों क्योंकि वो एक चीज बताइए कि राज्य राज्यों का भी तो उनको ऑडिट देना होता है राज्यों का भी तो ऑडिट देना पड़ेगा नेट प्रोसीड सर्टिफाई करते हैं और एक तरीके का गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स है तो कंसोलिडेटेड फंड पे पैसा सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है तो सी आएगा ना आंसर एक चीज बताइए फर्स्ट कैसे होगा ओनली टू पार्लियामेंट थोड़ी है वो ओनली टू पार्लियामेंट थोड़ी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी तो रेस्पॉन्सिबल है स्टेट गवर्नमेंट को भी तो वो देते हैं गवर्नर को अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए बिल्कुल देखिए पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है इस पर लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो इनडायरेक्टली मैं इनडायरेक्टली की बात कर रहा हूं अगर इशू ऑफ मनी हो रहा है तो उसको चेक करना उसको चेक करना उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल है या नहीं है बताइए इशू कर दिया पैसा सही जगह खर्च हुआ है नहीं हुआ ऑथराइज करना एक अलग चीज है देखिए He has control over authorization. तब यह बात आती तो एप्रो, एप्रो, आता। ऑथराइजेशन करना अलग चीज है लेकिन कंट्रोल करना अलग चीज है क्लियर हुआ या नहीं हुआ पक्के से कि अगर यहां पर यह बात लिखी होती कि भारत की समेकित कोष से धन के मुद्दे पर धन निकालने को अधिकृत करना तब एप्रोप्रिएशन बिल की बात आती यस इज दैट क्लियर और नोट जल्दी से बता दीजिए यस एवरीवन ऑडिटिंग के लिए तो है बिल्कुल सही बात है ऑडिटिंग के लिए तो है वही तो मैंने यहां पर लिखा है कि वो मनी इशू की बात नहीं कर रहे ऑथराइजेशन की बात नहीं कर रहे ऑथराइजेशन को तो आपको मालूम है पार्लियामेंट ही कर सकती है क्योंकि तो वन वन टू में जब आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वहीं से ही शुरुआत हो जाती है इस चीज की कथनों पर विचार कीजिए कौन से सही हैं? कौन सा सही है सेवनटींथ का बताइए जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूं आंसर कीजिए जल्दी से बहुत सिंपल क्वेश्चन है पढ़ना ध्यान से लेकिन क्वेश्चन को आंसर फास्ट एवरी वन जल्दी से आंसर कीजिए आगे भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों को मुझे ही कराना पड़ता लगता है क्वेश्चन आप जल्दी से कीजिए ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखिए सीएजी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देते हैं ये बात बिल्कुल गलत है गवर्नर को देंगे आर्टिकल 151। फिफ्टी वन क्या पांच साल नहीं पैंसठ साल सही है क्योंकि देखिए ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है सबसे कंफ्यूजिंग होता है यहीं पर आके गलत हो जाता है पैंसठ वर्ष याद रह जाता है लेकिन पांच और छह वाली चीजें अभी देखिए मैं एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को ये सारी चीजें याद कराऊंगा लाइक एक शब्द आता है वॉरेंट वॉरेंट शब्द किस किस के लिए काम में लिया गया किस किस के द्वारा वारंट से नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज गवर्नर और आपके सी एन एजी बाकियों के लिए है या नहीं है तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें आएगा फर्स्ट पहला ही बात सही है बाकी सारी बातें गलत हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा आंसर कीजिए आप लोग शक्ति सिंह जी आपका सही है अच्छी बात है इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर एटीन का अनूप सांगी जी आंसर कर रहे हैं गरिमा स्वामी जी आंसर कर रहे हैं बाकी लोग भी आंसर कीजिए विक्रम यादव जी आंसर कर रहे हैं सपना मीना मुकेश चौधरी विक्रम यादव शक्ति सिंह कसाना जी नहीं क्लास तो ट्वेल्व थर्टी पे रहती है डेली यहां पर डेली साढ़े बारह बजे क्लास रहती है प्रेसिडेंट नियुक्ति करेंगे और कल हम लोकल गवर्नमेंट पे चर्चा करेंगे लोकल गवर्नमेंट पे चर्चा करेंगे कल वेणुगोपाल राव जी नहीं है जी इस समय जीसी मुर्मू है हम सी की बात कर रहे हैं एजीआई की बात नहीं कर रहे हैं क्लियर ये 148 में है वो 76 में है क्लियर सो दैट इज द डिफ्रेंस गिरीश चंद मुर्मू करंट सीएजी ऑफ इंडिया वर्तमान कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है नाइनटींथ का बी है बिल्कुल सही बात है नाइनटीन्थ का बी है जीसी मुर्मू ऑथ ऑफ सीएनएजी विल बी एस पर सीएजी की शपथ किसके अनुसार होगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर कीजिए सीएनएजी की शपथ किसके अनुसार होगी गरिमा स्वामी जी थर्ड शेड्यूल कर रहे हैं बाकी लोग भी आंसर कीजिए गर्ग जी थर्ड शेड्यूल कर रहे हैं विक्रम यादव अनुप सांगी जी थर्ड शेड्यूल कर रहे हैं बिल्कुल थर्ड शेड्यूल के हिसाब से ही होगी सेकंड शेड्यूल में तो ऑफिसर आदि की बात सैलरी आदि की बात की गई है ठीक है फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के लिए यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से सीटों की बात की गई है सेवन शेड्यूल में तीनों शक्तियों का बंटवारा किया हो गया जिसमें आपको मालूम है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्रेंट लिस्ट ये तीनों लिस्ट पे चर्चा की गई है सो so, ये हम लोगों ने कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी हैं कैक के बारे में सीट्स हाँ, की लिस्ट दे रखी है 148 से 151 तक कैग यस yes, बिल्कुल पहले सैलरी फिक्स होगी तभी तो वो लेंगे पहले सैलरी फिक्स करो तभी बताएंगे कि काम करना है या नहीं करना वेरी गुड अनूप सांगी जी यस एनी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में तो एक बार बताइए क्योंकि हम लोग जो अभी आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा जो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम टेलीग्राम चैनल है उस पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल हो जाएगा तो अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हाँ कल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे क्लास रहेगी और उसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा और परसों जो क्लास होगी उसमें हंड्रेड प्लस क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पर रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उसमें और एक अभी क्वेश्चन की बात हो रही थी सो एनी क्वेश्चन अभी कुछ एक लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे अगर वो हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उस चीज को डिस्कस कर ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन कल मिलते हैं ट्वेल्व थर्टी पर विथ सम टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और आज शाम को नौ बजे आन अकेडमी पर क्लास रहेगी जीएसटी पर इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे जीएसटी के बारे में हां यूट्यूब पे क्लास है कल साढ़े बारह बजे क्लास है यूट्यूब पर लोकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर यस वेरी गुड अनूप जी और एक अनूप जी अगर आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हैं तो आज शाम को नौ बजे जुड़िएगा आपकी जो क्वरी है यूपीएससी से रिलेटेड थ्री वन फाइव से रिलेटेड उसको मैं डिस्कस करवा दूंगा क्लियर सेवनटी थर्ड सेवनटी फोर्थ अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे कल और उस पर आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ओके सो थैंक यू सो मच एवरी ये आशीष इलेवन मेरा रेफरल कोड है इसको आप जहां भी अप्लाई करेंगे ऑन आनके, बाइंग अन अकेडमी कोर्सेज तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी पे मिलने वाले प्रत्येक कोर्स पर ओके सो गुड बाय एवरीवन कल मिलते हैं साढ़े बारह बजे